सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। ये टिंग टिंग वाला बेल बटन होता है ना, इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फूड सर्कल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन चीज़ समोसा। चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। समोसों के स्टफिंग के लिए कीमा लेंगे, एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, एक स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, एक स्पून चिली सॉस डाल देंगे, हाफ स्पून नमक डाल देंगे, एक स्पून नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सबको चिकन के साथ मिक्स करेंगे। इनको 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई लेंगे, इसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे। एक कप प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे। प्याजों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस कलर चेंज हो जाए तो इसमें मैरिनेट किए हुए गोश्त डाल देंगे। थोड़ा सा भूनकर ढक के पकाएंगे 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें एक स्पून हरा धनिया, एक सब्ज मिर्च कटा हुआ, एक स्पून पुदीना कटा हुआ डाल देंगे। इसमें हाफ स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, 1/4 स्पून काली मिर्च डाल देंगे, 1/4 स्पून हल्दी डाल देंगे, हाफ स्पून चाट मसाला डाल देंगे, 1/4 स्पून नमक डाल देंगे। आप अपने जायका के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इनको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। पांच मिनट हो गए हैं, फ्लेम बंद करेंगे, डिश में निकाल देंगे। अब यही चिकन में मैं मोज़रेला चीज डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ज्यादा चीज पसंद है तो ज्यादा डाल दें, अगर आपको नहीं पसंद चीज तो आप स्किप कर सकते हैं। हम इनको स्टफिंग के साथ मिक्स करेंगे। ये मैंने लही बनाई है, 2 स्पून पानी के अंदर 2 स्पून मैदा डालकर मिक्स करेंगे। अब एक समोसे का पट्टी लेंगे, इस तरफ फोल्ड करके 2 स्पून स्टफिंग डालकर हाथ से हल्का सा दबाएंगे। फिर साइडों में लई लगाकर फोल्ड करेंगे। अब इन सबको ऐसे बनाएंगे। फिर से कढ़ाई लेंगे, ऑयल डालकर एक एक करके समोसा डाल देंगे। फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल देंगे।
तो ये रहे दोस्तों हमारे एकदम मज़े के डेलीशियस चिकन चीज़ समोसा रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।